देखिए, पुरानी यादों को जोड़ने के लिए रामा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग ये गंगोत्री पब्लिक स्कूल पर आ चुके हैं, तो चला जाए पुरानी यादों को जोड़ने के लिए। तो देखिए रामा जी हैं, अपने जो उनका सामान है सारे सामान से तैयार हैं और चलते हैं स्कूल के अंदर और बच्चों से वो बचपन की यादें साझा करते हैं। और आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, और ऐसे ही हर स्कूलों पर जाया करते थे और इस तरह से उन पुरानी यादों को हम फिर से ताज़ा करते हुए आपके बचपन की यादों को फिर आपसे रूबरू कराते हुए इसी डब्बे में सारी सामान मौजूद है। और ये गंगोत्री पब्लिक स्कूल है, काफ़ी प्यारा सा बोर्ड लगाया हुआ है और हमने इनसे अनुरोध किया था, इन्होंने कहा था कि हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और संभवतः भरपूर प्रयास करेंगे, जो हमारे पास सहयोग होगा हम उनसे उस सहयोग भी करेंगे। तो आप सामने देखिए गंगोत्री पब्लिक स्कूल है। तो हमारे रामा जी देखिए अपनी दुकान स्कूल के अंदर ले जाते हुए, आज हम उन बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज भी क्या वो स्वाद है इनके मसल पट्टी और लकड़ तोड़ में। काफ़ी खूबसूरत स्कूल, और इस स्कूल को हमने इसलिए च्वाइस किया है कि उन पुरानी यादों से उन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए। ऐसे में हम आए तो काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला इन बच्चों में, और यहाँ पर इनको किस तरह से परीक्षण दिया जा रहा है आप देखिए, और हमारे रामा जी वहाँ पर मौजूद है आप देखिए, अपनी मसल पट्टी की दुकान लिए हुए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी इस स्कूल में दुबा कभी आए? कभी नहीं आए, बारी में आए। अच्छा, इस बगल वाले स्कूल में, देखिए इस बगल वाले सरस्वती बाल विद्या मंदिर हुआ करता था, इसके जस्ट बगल में पहले ये स्कूल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये स्कूल है गंगोत्री पब्लिक स्कूल के रूप में, और इसके पहले हम लोग उधर पढ़ा करते थे। और अब एक नया स्कूल खुला है गंगोत्री पब्लिक स्कूल का, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो आज हम इनकी मसल पट्टी और सारी चीज़ें उन बच्चों में शेयर करेंगे। देखिए उन पुरानी यादों को, देखिए ऐसे बुलाया करते थे, और बच्चों को किस तरह से ये मसल पट्टी खिला रहे हैं। देखिए एक ज़माना था जब हम लोग ऐसे ही मसल पट्टी, और बुलाइए देखिए ये था 32 साल पुरानी कहानी, और फिर दोहराते हुए आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ऐसे हम भी लोग जो है मसल पट्टी लिया कर देते। और ये देखिए आज फ्री में हम बच्चों को, सारे बच्चों को मसल पट्टी खिलाते हुए। और ये क्या खाने आए हो? क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या बट रहा है? मसल पट्टी बिक रहा है, क्या लेने आई हो? मसल पट्टी पहले खाइए, कभी नहीं खाई हो? ये देखिए क्या माहौल है, बच्चों की एक कतार है और ये कतार बता रही है पुरानी यादों को ताज़ा करती है। और आज बच्चों की हो रहा है, देखिए किस तरह से बच्चे जो है, किस तरह से बच्चे जो है, जल्दी जल्दी बांटिए भाई। ये देखिए ये नज़ारे हैं उन पुरानी यादों के, और हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो बचपन की यादें थी वो हम कुछ पल के लिए ताज़ा करते हुए, और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, और इन बच्चों में हम जो है ये तस्वीरें आपसे साझा करते हुए। कैसा लग रहा है चचा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी और सारी चीज़ें हैं उन बच्चों को खिलाया जाएगा, और हर तरफ जो है सब लोग लाइन लगा लो।
हैं और ये भी बता रही है कि वो बचपन की यादें कितनी सुहानी हुआ करती थी। क्या मिल रहा है भाई? क्या मिल रहा है? की मसल पट्टी, मसल पट्टी। अच्छा ये बताइए, आप भी किसी जमाने में इसको टेस्ट किए हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा घड़ी बना बना के खाया हूँ। घड़ी बना के खाया? घड़ी घड़ी बना के खाया। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ के ये प्रबंधक है और इन्होंने भी मसल पट्टी का जो है यूज किया है, मतलब खाया है। और आज बच्चों की भीड़ देखिए ना, बहुत ही शानदार। और ये देखिए ऐसे बच्चों में उत्साह है मसल पट्टी खाने का, देखिए काफ़ी अच्छा माहौल। और ये बच्चे जो है मतलब अठेलिया करते हुए, काफ़ी अच्छा माहौल है। और इस तरह से हम सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बचपन की यादों की। और एक चीज़ जो है जो आपसे पुरानी यादें जिसको भी मिल जाए क्लास में। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अंकल जी को बनाने तो दो दादाजी, चलो क्लास में निकलो, क्लास में निकलो। तस्वीरें में आज हम मौजूद हैं गंगोत्री पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर सारे बच्चे जो है बच्चों के लिए किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं। तो गौरी बाजार न्यूज की टीम अक्सर आप लोगों को एक नई तस्वीरें, एक नई सारी चीज़ें लाती रहती है और हम प्रयास करेंगे कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि इनको हेल्प मिल सके। काफ़ी दयनीय स्थिति है इनकी घर की और हम प्रयास करेंगे कि ये माहौल क्रिएट करने का एक ही मकसद था कि इनकी जो है एक हेल्प की जाए और वो सारी चीज़ें हम आपको दर्शा रहे हैं। आराम से कभी इस तरह की भीड़ देखी थी आपने कभी? नहीं देखी। आज फ्री में खिला रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं बच्चों से? हाँ फ्री देते हैं। फ्री क्या? देखिए फ्री में कितनी भीड़ बच्चों की लगी हुई है। देखिए चीनी का है माहौल, इन सारी चीज़ों को काफ़ी भाई दो दो किस तरह से परेशान है। जल्दी जल्दी भाई बच्चों को दीजिए जल्दी जल्दी। आप देखिए रामा जी जो है सबको भी लगा, जिसको मिल जा रहा है क्लास में जाइए, जिसको मिल जा रहा है क्लास में। अरे ये देखो लकड़ तोड़वा, रुको बेटा ये क्या है लकड़ तोड़वा? दे रहे हैं कहाँ मिले? इसको कब खाया? इसको आपने कभी कब खाया है? 2004 में आसपास। 2004 में कैसा टेस्ट हुआ करता? बढ़िया था। अच्छा अच्छा, तो इन्हीं के हाथ से खाए हैं कि किसी के और खाए? अच्छा अच्छा, देखिए बहुत ही प्यारा माहौल जो हमने एक क्रिएट करने का एक प्रयास किया है। और गौरी बाजार न्यूज़ की टीम देखिए किस तरह से इन सारी तस्वीरों को दिखा रही है। ये तस्वीरें हैं बच्चों की यादों की और जिसे हम भी महसूस कर रहे हैं कि इसी तरह से हम भी इन सारी चीज़ों को खाया करते थे, लेकिन पैसे दिया करते थे, 10 पैसे, 5 पैसे। हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपने कभी ये खाया है? कितने पैसे का खाया था आपने? 25 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसे में इस तरह से यहाँ पर भी सारे लोगों ने टेस्ट किया है इनका। और आज भी उन सारी चीज़ों को याद करते हुए हाँ ढाली देखिए सारी चीज़ें सबको याद हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है ये क्या बट रहा है? क्या बट रहा है? क्या नाम है इसका? बोलो जल्दी क्या नाम है? मसल पट्टी। क्या नाम है? कस के बोलो। ये मसल पट्टी है। आप बांट रही है, आपने कभी खाया है इसको? इन्हीं के हाथों से खाया है?
अच्छा, आपने मैम खाया है इनके हाथों से? इनके हाथों से नहीं खाया है, पहले खाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने खाया इसको कभी? किसके हाथ से खाया है? इन्हीं के हाथ से खाया है। देखिए आपके हाथों से ये खाई है और आज आप जो है काफी अच्छा। ये क्या बट रहा है भाई, क्या बट रहा है बोले यार? मसल पट्टी बिक रही है। अच्छा, पैसा आपने दिया है तो फ्री में खाएंगे। क्या नाम है आपका? अर्पिता गिरी। अच्छा, अर्पिता गिरी जी है। और देखिए बच्चों को मसल पट्टी जो है दिया जा रहा है। माला बनाइएगा चाहे घड़ी बनाइए। ये किस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? क्या नाम है आप? माला बनानी चाहिए, घड़ी बनाइए। क्या लेने आई हैं आप? मसल पट्टी। चलिए ठीक है, फिर से क्लास चालू हो गया। काफ़ी मसल पट्टी हम लोगों ने बनवाई है केवल इसलिए कि इन पुरानी यादों को फिर ताज़ा करने के लिए। लकड़ी कभी खाए हो? अपने पापा का क्या नाम है? तो महेश जायसवाल जी, हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में अपने बेटे को जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने पापा से कहिएगा शेयर करें, ठीक है, कि ये उन्होंने खाया है कि नहीं। क्या है ये? लकड़ तोड़। हमको वाइट वाला, हमको वाइट वाला। क्या लेना है आपको? व्हाइट वाला। अच्छा, व्हाइट वाला। क्या है नाम इसका? हाँ, मसल पट्टी नाम है भाई। इसका क्या नाम है? आप लोगों ने कभी सुना है? मसल पट्टी कभी खाई है? कब खाई है? गांव में आते हैं। अच्छा, गांव में आते हैं, इन्हीं से खाई है किसी और से? अच्छा अच्छा, देखिए सब लोगों को मालूम है और आज ये चीज़ें हम लोग गंगोत्री पब्लिक स्कूल में कर रहे हैं और इन बच्चों को मसल पट्टी का एक स्वाद दिला रहे हैं और बचपन की यादें जो 32 साल पुरानी है उसको गौरी बाजार न्यूज दोहराती हुई, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और आज ये लोग मसल पट्टी का स्वाद, कभी खाया है मसल पट्टी? हाँ, पहली बार खा रही है। अच्छा अच्छा, ये देखिए कुछ लोग पहली बार खा रहे हैं तो कुछ लोग बहुत पुराने लोग हैं, जैसे देखिए यहाँ पर प्रबंधक जी हैं गंगोत्री पब्लिक स्कूल के, इन्होंने 32 साल पहले इसका स्वाद चखा था और आज फिर उन सारी चीज़ों को दोहराते हुए। इसका नाम कभी सुना है? क्या है ये? खाया है पहले कभी? किसके हाथों? इन्हीं के हाथों। देखिए मतलब एक पुरानी याद है और हम साझा करते हैं। तो आपको आज कैसा लग रहा है रामा जी? कैसा लग रहा है? खुश हैं? खुश हैं। चलिए ठीक है, तो सब लोगों को मसल पट्टी खिलाइए, जल्दी जल्दी खिलाइए। क्या है यार ये? क्या चीज़ है ये? हमने इसके पहले खाया। नहीं खाए हो? तो अपने पापा का नाम, क्या नाम है आपके पापा का? ऋषि मुकेश वर्मा। तो उनसे पूछिएगा कि ये क्या चीज़ हमने खाई है आज, ठीक है ना? ठीक है, पूछेंगे ना? YouTube और Facebook दोनों पे, ठीक है? रामाजी कितना पैसा इकट्ठा हुआ अभी तक? कितना पैसा इकट्ठा हुआ? पैसा नहीं मिला, फ्री में खिला रहे हैं। देखिए आज रामा जी बहुत खुश हैं और सब बच्चों को फ्री में खिला रहे हैं। अब पहले कितने पैसे का खिलाते थे? 10 पैसे का? 10 पैसे। और आज कितने का खिलाते हैं? 5 रुपया। हाँ, 4 रुपया। देखिए ये सारे बच्चे हैं और ये गंगोत्री पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। कभी खाया है इसको? कब खाया है? बस। अच्छा, आप बड़े हो गए हैं? आप
अच्छा देखिए, अच्छा बहुत कम मिलता है, देखिए बहुत कम मिलता है। और आप लोगों ने कभी खाया इसको? नहीं खाया है? अच्छा खाया है, कुछ लोगों ने खाया है, कुछ लोगों ने नहीं खाया है। सब स्कूल में बेचते हैं। कभी खाया है इसको? नया खुला है। कब खाए हो? अभी खा रहा हूँ। अभी खा रहे हो ना, चलो ठीक है। हम लोग बचपन में कितने में खाए हो इसको, कितने में पैसा दियो? पैसा दियो कि नहीं? एक रुपये तक खाया हूँ। एक रुपये तक खाया हूँ, चलो बहुत बढ़िया। आज फ्री में खा रहे हो ना? आज फ्री में खिलाया जा रहा है रामा जी की याद में। और रामा जी 36 साल पहले हम लोगों को 10 पैसे में खिलाते थे, ठीक है, 5 पैसे में खिलाते थे। आज ये जो है एक तस्वीरें हैं गंगोत्री पब्लिक स्कूल, यहाँ पर सारे बच्चों लोगों को जो है मसल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो उस जगह पहुँचे जहाँ रामा जी को सहयोग मिल सके। बेचारे 70 साल की उम्र में यही बूढ़ी साइकिल है, वही डिब्बा है और वही खारा है, जो आज से 32 साल पहले ये इसी साइकिल से व्यापार करते थे। दो बच्चे भी हुए जो आज उनके बीच में नहीं है, स्थिति वही है। और हम चाहेंगे आप दर्शकों से कि इनका भरपूर सहयोग करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो ज़्यादा दूर तक शेयर होगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुँचता है, तो इनकी जो जीवन दशा है वो सुधर सकती है। और आने वाले भविष्य में इनका भी एक तरह से एक दुकान होगी और बाबा को देना है। अच्छा कितना आपने पैसा लाया? देखिए एक पुरानी याद आज ताज़ा हो गई, 20-20 रुपये। कितने पैसे हैं? 60 पैसे हैं, तो 60 रुपीस है। और काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अच्छा किस गांव से हैं आप? जोगम से। तो अब इस वीडियो को देखिएगा फेसबुक और यूट्यूब पे, और इनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको हेल्प मिल सके। देखिए काफ़ी अच्छा प्रयास रहा इनके द्वारा। और देखिए ये ले लीजिए, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। बच्चे ऐसे हैं जो इनको पैसे भी अच्छा लगा। ये है, ये देखिए ये बच्चे किस खींचम खींच कर रहे हैं। अरे भाई पन्नी तो छोड़ दो भाई, देखो देखिए उस तरह से जो है ये माहौल है। देखिए ये सारी चीज़ें हमने इस चीज़ को हम दर्शाने का प्रयास कर रहे थे। और गंगोत्री पब्लिक स्कूल में जो बच्चे हैं, आज एक फन का माहौल है, और इस फन में बच्चे मसल पट्टी को किस तरह से नहीं है। खत्म क्या हुआ रामा जी, क्या हुआ? खत्म हो गया। खत्म हो गया? तब खत्म हो गया, अब क्या किया जाए? हाँ खत्म हो गया। अब देखिए चारों तरफ से ये बच्चे गंगोत्री पब्लिक स्कूल, और इन बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा प्रयास किया। और यहाँ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खत्म हो गया है गंगोत्री पब्लिक स्कूल। काफ़ी अच्छा माहौल और इस तरह से अब नहीं है। ये क्या हो रहा है? 32 साल पुरानी यादों को ताज़ा किया, और आज रामा जी जो है 32 साल पुरानी यादों को ताज़ा किया। और बच्चों की देखिए भीड़ जो है एकत्रित है, और चारों तरफ बच्चों का एक अनुपम माहौल है। और उस माहौल में बच्चे जो है रामा जी को खींचते तानते, उनको बचपन की यादें आज ताज़ा हो गई। जिसको मैंने चाहा गिर जाएगा साइकिल, वो सामने तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया। और ये झोले तो किस तरह से हुए, तो
मामा जी आज बहुत खुश हैं और इस खुशी में इस सारी चीजों को हमने दर्शाया। चलिए ये तस्वीरें थी आज गंगोत्री पब्लिक स्कूल की, जहाँ पर हम लोगों ने एक पुरानी यादों को दोहराया और ये चीज़ जो है आज मसलपट्टी भी खत्म हो गई। तो अच्छा लगा रामा जी? हाँ, अच्छा लगा। सब मसलपट्टी खत्म हो गई? सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी अभी एक और चीज़ बाकी हुई है, जो यहाँ के जो व्यवस्थापकगण हैं उनसे बातें करेंगे और देखते हैं कितना अनुदान देते हैं हमारे रामा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हमको इजाज़त दी। और शायद ये पल कभी याद हो या ना हो, आने वाले समय में ये भी जो है ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो शख्स हैं रामा जी, पता नहीं कब तक मालिक इनको सलामत रखे, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीज़ें विलुप्त की कगार पे हैं। आपको कैसा सर लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी मतलब बचपन में जब हम लोग याद है हम लोग शिशु या प्रथम प्रथम में पढ़ते थे तब क्या इनका हम लोग खाए हुए हैं। अच्छा। और अक्सर करके जब आगे हम लोग हाई स्कूल इंटर उन्टर में गए जब फिर जब कभी ये रास्ते में मिल जाते तो रोक के हम लोग जरूर खा लेते। अच्छा, पहले का स्वाद कैसा हुआ करता था? पहले का स्वाद, पहले अब तो ये बना ही नहीं रहा है, पहले ये गुड़ का बड़ा बड़ा मतलब एक लकड़ी जैसा बनाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था इनका। गुड़ वाला जो बनाते थे वो काफ़ी अच्छा लगता था इनका। देखिए आज से 32 साल पहले ये मतलब पढ़ते थे और आज इनका खुद का स्कूल है गंगोत्री पब्लिक स्कूल, सामने देखिए बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। यहाँ पर हर तरह की शिक्षाओं से सुसज्जित मतलब हर व्यवस्था है। और आज हम इस समय मौजूद है गंगोत्री पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर रामा जी को लेकर आए थे और काफ़ी सहयोग रहा। तो आने वाले भविष्य में क्या कामना सर करते हैं इनके लिए? हाँ, आप लोगों से क्या अनुरोध करेंगे? हमारी यही कामना है कि ऐसे ही सबको खिलाते रहें, हम लोग को खिलाएं, हम लोग को बच्चों को भी खिलाएं और हम लोग के बच्चों को भी खिलाएं। यही है इसलिए ये मिठाई ऐसी मिठाई है कि जो अब एक तरह से कहिए कि इनके बाद शायद कोई नहीं बनाने वाला रहेगा। ये इनका अंतिम पीढ़ी है और अंतिम व्यक्ति है जो इस मिठाई को बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से ये मिठाई जो है ये केवल सपने और इतिहास की बात रह जाएगी। तो हम चाहेंगे सर आपसे भी इनको कुछ सहयोग किया जाए और हमारे दर्शकों द्वारा भी आप मतलब हमारे माध्यम से कहिए कि इनको सहयोग किया जाए, चूँकि इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है और 32 साल से वही दशा है, वही डिब्बा है, वही साइकिल है। तो कुछ इनका सहयोग होगा तो इनका भी जीवन यापन अच्छे से चलेगा। तो देखिए 1000 की धनराशि है जो आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगा और इसी तरह से सहयोग करेंगे इनका। और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।